हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, जो है आज मैं बताने वाला हूं कि मैं अपने दुकान पे जितने भी इलेक्ट्रीशियन को रखा हूं, जैसे कि आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल में देखते होंगे कि मेरे दुकान पे कई लड़के काम करते हैं, तो उन लोगों को मैं सैलरी जो है कैसे देता हूँ, कितना देता हूँ, क्यों देता हूँ, सारा कुछ जो है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक है ना, एक हमारे व्यूअर है छोटे सा, उन्होंने मुझसे पूछ लिया, तो उनका क्वेश्चन क्या था वो मैं पूरा आपको बता देता हूँ, फिर जो है आगे जो है बताने वाला हूँ इसी के बारे में। तो छोटे शाह जी ने कमेंट किया था और उन्होंने कहा कि भाई एक वीडियो बनाए कि आप अपने शॉप पर लड़कों को सैलरी पर रखते हैं या कैसे मैनेज करते हैं, हम भी अपने शॉप पर कुछ लड़कों को रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो है लड़कों को रखना अलग चीज होती है, उनको कुछ लोग सैलरी बेस पे रखते हैं, कुछ लोग परसेंटेज पे रखते हैं, कुछ लोग किसी तरह से रखते हैं। हर आदमी का अपना अपना जो है सिस्टम होता है लड़कों को रखने का, काम करने का। लेकिन जो मेरा सिस्टम है, मैं अपना सिस्टम जो है आपको बताऊंगा कि मैं जो है कैसे मैनेज करता हूँ। आप सभी को बताने की तो जरूरत है नहीं कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, प्लम्बर हूँ, अभी जो है नया नया सीसीटीवी कैमरे का भी काम करना चालू कर दिया हूँ, फ्रिज भी बना लेता हूँ, वॉशिंग मशीन भी बना लेता हूँ। तो मैं मतलब जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक काम छोड़ के लगभग लगभग सारा काम करता हूँ। तो अपनी दुकान भी है और मतलब सेल एंड सर्विस दोनों का काम है। तो हमारे वहाँ जितने भी लड़के आप जो देखते हैं वो हैं, वो सारे लड़के जो है इसी दुकान पे सीखे हैं और इसी दुकान पे सीख के काम करते हैं। तो इसी दुकान पे सीखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो है जब वो सीख रहे थे तब भी मैं उनसे फ्री में काम नहीं ले रहा था, और अब अगर जो है उन्हें जानकारी हो गई है तब भी मैं फ्री में काम नहीं लेता हूँ। जब वो सीख रहे थे तो उनके जो है काम के हिसाब से, मतलब जो अपना प्रॉफिट है लेबर चार्ज का, उसके हिसाब से मैं उन लोगों को पेमेंट जो है करता था। मतलब किसी का कोई फिक्स नहीं था कि मैं आपको पर डे का जो 500 दूंगा या 300 दूंगा या 150 दूंगा या 200 दूंगा। लेकिन ये है कि मेरा अगर प्रॉफिट अच्छा होता था तो मैं उसी हिसाब से उन लोगों को कम भी दे देता था, ज्यादा भी दे देता था। मतलब अगर अच्छा हुआ तो ज्यादा दे देता था, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो कम भी दे देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी ये तो साइड की बात हो गई। बाकी जैसे मान लीजिए वो कंप्लेन वगैरह करने जाते हैं, कहीं लाइट बनाने, कहीं टेम्परेरी काम करने गए, तो वहां का जो पैसा मिलता है, मान लीजिए कहीं गए 300 लेके आए, 200 लेके आए, ठीक है, तो अब मान लीजिए उसके साथ कोई लड़का गया है तो उसी में से उन लोगों को डिवाइड कर देता हूँ। मतलब जो जिस लायक है, कोई फिक्स नहीं है कि उनको जो है 500 दे दिया, उनको जो है 100 रुपए दे दिया। मतलब जो साथ में गया वो किस लायक है, कितना काम किया होगा, वो अंदाजा लगा के उनको जो है सैलरी में उसी हिसाब से दे देता हूँ। तो इसी वजह से आज तक अपने दुकान पे किसी की भी सैलरी फिक्स नहीं हुई है। जो जैसा काम करता है उसको वैसा जो पैसा दे दिया जाता है। किसी किसी दिन ऐसा होता कि काम नहीं होता है, जैसे आज ही जो है एक दो लोग जो है कहीं कोई काम नहीं किए, तो उनको जो है मान लीजिए पूरे दिन दुकान पे रहे, काम कुछ नहीं, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया, कोई साइट पे नहीं जाना हुआ, तो ऐसे सिचुएशन पे शाम टाइम में कुछ ना कुछ उन लोगों को, अगर मान लीजिए दुकान पे ही उन्होंने कुछ काम कर दिया तो 100, 150 या 50, या कभी वो भी नहीं, अगर मान लीजिए दुकान पे भी सेल नहीं थी, कहीं काम भी नहीं है, दुकान पे भी सेल नहीं, तो अब बताइए कहाँ से आदमी देगा। तो ऐसे में जो है लड़के भी जो है हमारे बड़े ईमानदार हैं और बड़े ही जो है अच्छे हैं, तो कोई उनके थ्रू जो है कंप्लेन नहीं रहता है और बहुत ईमानदारी से काम भी करते हैं सब। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी आप अब अपने वहाँ कैसे मैनेज करते हैं, अब आप अगर लड़कों को काम सिखाते हैं तो ऐसे लड़के जो है आपके वहाँ दूसरे हिसाब से आप उनको डील कर लेंगे, लेकिन जो लड़का कहीं से और सीख के आपके वहाँ काम करने आएगा, तो या तो वो इस मैटर पे रहेगा कि जितना भी जो है सामान आपका गया, सामान का आपका पैसा, बाकी लेबर चार्ज उसका है, ठीक है, नहीं तो अगर आप जो है लग के काम अपना करवाते हैं, या तो मतलब सारा कुछ मैनेज आप करते हैं, मतलब हर एक चीज डील आप करते हैं, सिर्फ उनसे काम करवाते हैं, बाकी हिसाब किताब सारा कुछ आप मैनेज करते हैं, तो फिर वो आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं कि उसको कितना देना है। फिर भी हर आदमी जो है अपना एक देखता है कि मान लीजिए आजकल लोगों की लेबर चार्ज, मजदूरी क्या चल रही है, तो कम से कम एक बंदे को जो है अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे कम से कम कितना हम दे सकते हैं।
हम 500 भी दे सकते हैं, 400 भी दे सकते हैं, 600 भी दे सकते हैं, तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर है। बाकी आप भी अपना जो है प्रॉफिट ही देख के जो है किसी को रखेंगे। मान लीजिए आपने किसी को सैलरी बेस पे जो है 12,000 रुपये कह दिया कि 12,000 रुपये मैं आपको महीना दूंगा, और उसने महीने में 6,000 का काम दिया, तो 6,000 तो आपको जेब से अपने देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और गांव साइड में आदमी कोई फिक्स किसी को जो सैलरी पे नहीं रख सकता, या तो बहुत बड़ी साइड हो कि आपकी जो है 4 महीना 3 महीना 2 महीना एकदम साइड चलने वाला है, मतलब आप जान रहे हैं कि मतलब 2 महीने में मैं अपना जो है कम से कम 40,000 रुपये बचा लूंगा, तो 40,000 रुपये अगर आप बचाते हैं तो किसी को 24,000 रुपये आपको देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 24,000 उसको देने के बाद फिर भी आपका जो है 18,000 रुपये 16,000 रुपये बच जाएगा। मतलब ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मतलब शहर वहर में इसी तरह से होता तो भाई वहाँ लाखों लाखों कईयों लाख का प्रॉफिट होता है, तो उस हिसाब से वहाँ सैलरी बेस पे काम होता है, उसी तरह से लोग काम लेते भी हैं। यहाँ तो फ्री, जब काम आया तो चले गए, काम नहीं है तो दुकान पे बैठे रहे, और काम पे जाने का भी कोई टाइमिंग नहीं है। कभी 11 बजे से भी गए तब भी जो उनको दिहाड़ी मतलब उनकी मजदूरी अच्छी खासी मिल जाती है, सुबह से गए तब भी जो अच्छी खासी मिल जाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे हिसाब से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप अपने हिसाब से देखिए कि आप जो है किस तरह से जो है रख सकते हैं। तो ये सिर्फ छोटे शाह जी के लिए नहीं है, जितने भी लोग जो है इलेक्ट्रिक का शॉप खोले हैं और वो भी जो है अपने दुकान पे इस तरह से रखना चाहते हैं लड़कों को, तो वो इसी तरह से देख लीजिए। तो दोस्तों जो भी मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उससे जो है मैं आपको कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं इसी तरह से कमेंट करके बताते रहे, जिससे आसानी से जो है उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे सकूं। और हमेशा की तरह से एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक काम से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ जो है इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।